सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में दबाएं इस घंटे को हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको झारखंड के गोड्डा जिला की कुछ खास बातों के बारे में आपके साथ एक छोटी सी जानकारी शेयर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो कृपया करके लाइक शेयर और नीचे दिए हुए लाल कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप गोड्डा जिला के वासी है तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करें। गोड्डा जिला झारखंड का एक ऐसा जिला है जो पूर्वी भारत के झारखंड राज्य में स्थित झारखंड के 24 जिलों में से एक गोड्डा जिला के नाम से जाना जाता है। गोड्डा जिला झारखंड के उत्तर से पूर्व भाग की ओर बसा है, जिस वजह से इसके उत्तर से पश्चिम की सीमाएं बिहार राज्य से मिलती है। इस जिले का हेडक्वार्टर गोड्डा शहर में मौजूद है और गोड्डा जिला संथाल परगना डिवीजन के अंतर्गत आता है। गोड्डा जिला पहले दुमका जिले का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आज के मौजूदा समय पे गोड्डा को दुमका जिला से अलग करके एक नया जिला बनाया गया था। इस जिले का गठन साल 1981 में दुमका जिला की बंटवारे के बाद किया गया था। इससे पहले गोड्डा दुमका जिले का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था। झारखंड का गोड्डा जिला 5 पड़ोसी जिलों के साथ आपस में घिरा हुआ है, जिसका नाम साहिबगंज जिला, दुमका जिला, पाकुर जिला, बिहार का भागलपुर जिला और बांका जिला है। जिस वजह से गोड्डा जिला के पश्चिम से उत्तर भाग की ओर बिहार का भागलपुर जिला और बांका जिला, पूर्व भाग की ओर झारखंड का साहिबगंज जिला, पूर्व से दक्षिण भाग की ओर झारखंड का पाकुर जिला और दक्षिण भाग की ओर झारखंड का दुमका जिला से घिरा हुआ है। गोड्डा जिले की संस्कृति यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि इन जगहों पर हिंदू, मुस्लिम और आदिवासी का मुख्य रूप से निवासी है। यहाँ का इतिहास पूरी तरह से जनजाति से जुड़ा हुआ है, जिस वजह से संथालों की जनजाति सबसे ज्यादा है। इसी कारण इस पूरे भूभाग को संथाल के नाम से जाना जाता है। पहले के समय गोड्डा जिला संथाल जिले का हिस्सा हुआ करता था, जिस वजह से इस इलाके पर संथालों की जनसंख्या सबसे अधिक थी। गोड्डा जिला की राजमहल भी लल बटिया कोलफील्ड काफी मशहूर है। यह खदान झारखंड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और पूरे एशिया में सबसे बड़े खदानों के लिए जाना जाता है। यह जिला छोटे छोटे पहाड़ों के लिए और जंगलों के लिए जाना जाता है। साल 1980 के अंत तक गोड्डा पूरे जंगल से भरा हुआ था। गोड्डा जिला की मुख्य नदी का नाम सुंदर नदी है। सुंदर नदी के हिस्से में बसा यह जिला झारखंड की राजधानी रांची से तकरीबन 328 किलोमीटर की दूरी पर है। देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 1344 किलोमीटर की दूरी पर है और बिहार की राजधानी पटना से इसकी दूरी महज 294 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गोड्डा जिला में 2 अनुमंडल, 9 प्रखंड, 1 लोकसभा, 3 विधानसभा, 17 पुलिस स्टेशन, 1 जिला कोर्ट, 156 डाकघर, 9 अंचल, 1 सदर अस्पताल, 3 रेफरल अस्पताल, 7 प्राथमिक अस्पताल, 3 आयुर्वेदिक अस्पताल, 1 यूनानी अस्पताल, 1 नगर परिषद, 201 ग्राम पंचायतें, 1 शहर और 2311 गाँव भी बटा है। क्षेत्रफल की बात करें तो इस जिले का क्षेत्रफल 2110 वर्ग किलोमीटर भी फैला हुआ है। गोड्डा जिला में रहने वाले परिवारों की कुल संख्या 2,54,000 के करीब है और यहाँ की बोली जाने वाली भाषा हिंदी और संथाली है। आबादी की बात करें तो गोड्डा जिला जनसंख्या के हिसाब से झारखंड राज्य का 13वां सबसे छोटा और क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां सबसे छोटा जिला है। गोड्डा जिला का अभी मौजूदा समय भी कुल आबादी 15,26,000 के करीब है। वैसे साल 2011 की जनगणना के अनुसार गोड्डा जिला की कुल आबादी 13,14,000 के करीब है, जिसमें की पुरुष की आबादी 6,78,000 है और महिला की आबादी 6,36,000 है। इस जिले का औसत लिंग अनुपात 938 के करीब है, यानी कि 1,000 पुरुष पर 938 महिला है। इस जिले में हिंदू धर्म की आबादी 9,37,000 है, लगभग 75% के करीब। मुस्लिम धर्म की आबादी 2,90,000 है, लगभग 22% के करीब और ईसाई धर्म की आबादी 38,000 है, लगभग 3% के करीब है।
शिक्षा की बात करें तो इस जिले में कई सारे कॉलेज और स्कूल स्थित है, जिसके माध्यम से गोड्डा जिला के वासी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इस जिले में गोड्डा कॉलेज, गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, मिल्लत कॉलेज, महिला कॉलेज और गोड्डा एग्रीकल्चर कॉलेज इस जिले के लिए एक खास केंद्र बना हुआ है। वैसे इस जिले की साक्षरता दर 56% के करीब है। गोड्डा जिला की 13,14,000 की आबादी में 7,41,000 लोग पढ़े लिखे हैं, जिसमें की पुरुष 4,60,000 पढ़े लिखे हैं लगभग 68% के करीब और महिला 2,81,000 पढ़ी लिखी है लगभग 44% के करीब है। व्यवसाय की बात करें तो गोड्डा जिला की आबादी के अनुसार इस जिले में 5,52,000 लोग काम करने वाले वर्कर हैं, जिसमें कि पुरुष और महिला दोनों शामिल है। इस 5,52,000 वर्कर में सरकारी नौकरी करने वाले, प्राइवेट नौकरी करने वाले, किसान और मजदूर भी शामिल है। इस जिले में काम करने वाले वर्कर यहाँ की आबादी के अनुसार लगभग 42% के करीब है। वैसे गोड्डा जिला की मुख्य व्यवसाय खेती भी है। यह जिला काफी हद तक खेती अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है। गोड्डा जिला सुंदर नदी के हिस्से में बसे होने के कारण इसका 35% का इलाका काफी उपजाऊ है। गोड्डा जिला भी इनकम का मुख्य साधन खास तौर पर खेती की फसलों द्वारा किया जाता है, जिस वजह से इस जिले का प्रति व्यक्ति इनकम 13,570 के करीब है। गोड्डा जिला के 2,266 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में 783 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल, लगभग 1,93,000 एकड़ में खेती का कुल पैदावार किया जाता है और 420 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल जंगल के हिस्से में आता है। इस जिले की मुख्य फसलों का नाम धान, गेहूं, मक्का और सब्जियां यहां की मुख्य फसल है। गोड्डा जिला खनिज के मामले में काफी मशहूर है, क्योंकि गोड्डा में एशिया का सबसे मशहूर खुला कोयला खदान है, जिसे ललमटिया खदान के नाम से जाना जाता है। इन खदानों के अलावा इस जिले में कई छोटे व्यवसाय भी स्थित है, जिसके माध्यम से आसपास के लोगों को और गोड्डा जिला वासियों को रोजगार मुहैया प्रदान करवाता है। टूरिस्ट स्थलों की बात करें तो इस जिले में कई ऐसे महत्वपूर्ण स्थान हैं, जिसके माध्यम से टूरिस्ट इन जगहों पर घूमने का आनंद उठा सकते हैं। झारखंड का गोड्डा जिला खूबसूरती के खजानों से पूरी तरह भरपूर और मशहूर है। गोड्डा जिला के टूरिस्ट स्थलों में शुमार योगनी शक्तिपीठ, बसंत राय, ललमटिया खदान, सुंदर बांध, रास पोखर झील, भटीदा झील, गांधी मैदान, मेला ग्राउंड, रत्नेश्वर नाथ धाम, महागामा दुर्गा मंदिर, गोड्डा का चर्च और गोड्डा जिला की जामा मस्जिद जैसी कई महत्वपूर्ण नामों से लोग वाकिफ होंगे। गोड्डा जिला सड़क के माध्यम से झारखंड के अलावा भारत के अलग अलग जिलों के साथ अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। इस जिले के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 19 और नेशनल हाईवे संख्या 122 ए गुजरती है। यह जिला बस के माध्यम से भी यात्रियों को पड़ोसी जिला के साथ साथ शहर के छोटे बड़े गांव तक बस सेवा मुहैया कराती है। गोड्डा जिला के नजदीकी रेलवे स्टेशन का नाम हंसडीहा रेलवे स्टेशन है।